सो गाइस, हम यहाँ थोड़ी देर रुके हैं। अब देख सकते हो कितना घना जंगल है ये। हाँ, तो चलो यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे रुकना खतरनाक भी हो सकता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। अभी हम हैं कोल्हापुर में और इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं 6 बजे निकलने वाला था, तो सब रेडी है। आप देख सकते हो द लगेज हैज बीन लोडेड, बैग सब पैक है। बस हमको गाड़ी स्टार्ट करके निकलना है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं गोकर्ण, विच इज़ कर्नाटका। तो मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ। ट्रिप वन में 0 पता, मतलब आप पता चले आज कितने किलोमीटर हमारे किए हैं। और अभी तक टोटल किलोमीटर हमारे हुए हैं 581। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं कोल्हापुर से। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बोलो अम्बे माते की जय। सो गाइस, हम लोग कोल्हापुर का अभी बाय-बाय बोल रहे हैं। कोल्हापुर से अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। वी आर ऑन द मुंबई बेंगलोर हाईवे नाउ। ये ब्रिज हम लोग उतरते हैं तो विल बी जॉइनिंग द हाईवे। तो गाइस, अभी हम ऑफिशियली कर्नाटका एंटर कर रहे हैं। ये आगे जो ये गेट है, वी आर एंटरिंग कर्नाटका। दिस इज अग्नोली टोल प्लाजा। गाइस, रोड सुपर है यहाँ पे। महाराष्ट्र में भी अच्छे थे, बट दिस इज लाइक एक छोटा सा लेवल ज्यादा है। देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्लाइमेट इज ऑल्सो सुपर। देख सकते हो राइट साइड में ये गुलमोहर के पेड़ हैं, जो अभी पूरे ब्लूम में है। काफी खूबसूरत लग रहा है ये। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। 42 किलोमीटर हो गए, तो चाय पीते हैं यहाँ पे एंड देन आगे चलते हैं। गाइस, आप देख सकते हो 3 ट्रक की रेस लगी हुई है, सब अपनी स्पीड में जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और पीछे के ट्रैफिक इन लोग बजा देते हैं। तो आप राइड में जो देख रहे हो, दिस इज अ वेरी फेमस होटल। अगर आपको अगर गोवा जाना है तो इसको अगर ध्यान में रखिए, दैट इज होटल गोवा बेस। यहीं से आपको राइड मारना है और गोवा, यहाँ से आप जाते हो अंबोली घाट से, नीचे उतरते हो सावंतवाड़ी, या सावंतवाड़ी से आप फिर गोवा एंटर करते हो। हम आगे जा रहे हैं, आते समय हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से एंटर करेंगे, आई एम नॉट श्योर। भाई, गूगल माता हमें जिस रास्ते से लेके जाएगी, हम तो आप बन करके चले जाते हैं। गाइस, आप देख सकते हो सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये शायद से ये कुछ लेक वगैरह होगा जो अभी सूख गया है, मतलब नदी होगी शायद से। वेरी ब्यूटीफुल गाइस। जो गोवा वाइस है उसके आगे आज तक मैं तो कभी कर्नाटका में आया हूँ, क्योंकि वहीं से हम गोवा जाते थे। पहली बार उसके आगे आ रहा हूँ। यहाँ पे थोड़े क्रॉस रिंग्स है, शायद ये ओपन स्पेस है इसकी वजह से। आप देख सकते हो सामने ये पहाड़ पे ये विंडिंग्स है, काफी ग्रीनरी है। मतलब मैं पहले वाला जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया था वो भी काफी ग्रीन था, ये भी पूरा ग्रीन है। वी हैव कंप्लीटेड 102 किलोमीटर। थोड़ी भूख लगी है, देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिलेगा तो, और पेट्रोल भी भरना है क्योंकि अभी एक सिंगल पॉइंट पे आया है। देख सकते हो उस पहाड़ पे, इट्स अ पैलेस सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो क्या है ये। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट वो काफी खूबसूरत है। कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन, ये वही है क्या? हाँ, कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन। सो गाइस, आखिर में हमें पेट्रोल पंप मिल गया। मतलब मुझे टेंशन आ गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से पेट्रोल पंप एक मिला था, उस पर भी पेट्रोल नहीं, मतलब बंद था वो पंप। और काफ़ी टाइम से एक सिंगल पॉइंट पे हम चल रहे थे। तो चलो यहाँ पे अभी फुल करते हैं। यहाँ पे पेट्रोल है 101 रुपीज़ 71 पैसे। कार्ड है ना, फुल कर 9 77 08।
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, थोड़ा पानी पिया, एक चिक्की, मैं चिक्की यूजुअली कैरी करता हूँ, तो एक चिक्की खा लिया जब तक मैं ब्रेकफास्ट खा लेता हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं, वी हैव कवर्ड 155 किलोमीटर्स। आगे से मैंने अभी जीपीएस लगाया, आगे से हमको एक डाइवर्जन लेना है क्योंकि हम हाईवे छोड़ के अंदर जाने वाले। सर सो गाइस हाईवे से हम लोग ने अभी ये डाइवर्जन लिया है सर्विस रोड पे, आगे से हमको यू टर्न लेके जाना है। रोड से अभी हम ये अंदर से अंदर वाले रोड से जा रहे हैं। मैंने बोला ना जो डाइवर्जन मैंने लिया था पीछे, तो ये इस रोड से आता है और आप देखोगे दिस इज रियली ब्यूटीफुल। दोनों तरफ है ना हरियाली है, खेत है, ग्रीन ऑल अराउंड, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया लग रहा है। आप देखोगे दोनों तरफ पूरे झाड़ है। मैंने 80 किलोमीटर कवर किए हैं, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने के लिए, तो मुझे यहाँ पे ये एक रोड साइड गाड़ी दिखी है। क्या देखते हैं यहाँ पे क्या है, अभी जो भी है खा लेंगे कब। सो गाइस बैड लक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, उन्होंने कहा कि आगे मिल जाएगा। 10 बज रहे हैं, हम 6:30 बजे निकले थे, 7:30, 8:30, 9:30, 10, 3.5 घंटे हो चुके हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए है क्या। सो गाइस यहाँ पे ये स्पॉट है, यहाँ पे भी सब साउथ इंडियन डिश मिल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने के लिए। गाइस अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, मैंने एक प्लेट इडली और एक प्लेट मेदू वड़ा खाया। इट वॉज 60 रुपीज़। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब सुपर था। द वड़ाज वर क्वाइट अ साइज, द इडलीज वर क्वाइट अ साइज एंड द टेस्ट वॉज ऑल्सो गुड। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पेट भर गया, अभी दिल को शांति मिली, पेट को भी शांति मिली, चलो निकलते हैं। गाइस आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो ये पूरा लोटस का पॉन्ड है, काफ़ी सारे लोटस है इसमें, तो क्लाइमेट सुपर है यहाँ पे। सो गाइस कैमरा की बैटरी मैंने चेंज कर दी, डाउन हो गई थी। हम जहाँ पे रुके हैं उस जगह का नाम है हली आला। 4 घंटे हो चुके हैं और करीब 150 किलोमीटर बाकी है, चेक करते हैं कितना बाकी है। 132 किलोमीटर्स, सॉरी 127 किलोमीटर्स बाकी है और 3.25 घंटा दिखा रहा है टाइम। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर 3.25 दिखाता है तो 10:30, 11:30, 12:30 बजेगा हमको पहुँचने के लिए। गाइस आप देख सकते हो वापस हम एक जंगल से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ झाड़ियां हैं, पूरी ग्रीनरी है, खचाखच भरी हुई ग्रीनरी। एंड द क्लाइमेट इज ऑल गुड, बिल्कुल गर्मी नहीं है। बीच बीच में ये रोड है ना काफी खराब हो रहा है, मतलब पिछले तो 15-20 किलोमीटर गंदा पूरा रोड खराब था। हमने सोचा चलो अभी अच्छा रोड लगेगा, वापस से बीच में भी एक खराब पैच आया है। रोड खराब रहेगा तो फिर किलोमीटर नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। गए धीरे को क्या देख, क्या दिखाऊं और क्या नहीं, मुझे ऐसे हो गया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गाइस अभी ऐसा हो गया कि बीच बीच में अच्छे पैच आ रहे हैं, बाकी पूरा रोड खराब है, मतलब इतने सारे खड्डे हैं आप देख सकते हो पूरा ये रोड, अरे मां कसम ऐसी है। सो गाइस हम यहाँ थोड़ी देर रुके हैं, आप देख सकते हो कितना घना जंगल है ये।
चलो यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे रुकना खतरनाक भी हो सकता है। तो भाई जैसे जब से हमने जो राइट मारा था हाईवे से, एक 4-5 किलोमीटर तक पूरा एक गांव था, उसके बाद ये जंगली है, मतलब बीच में छोटा सा गांव था 2-3 किलोमीटर का, उसके बाद वापस ऐसे पूरा घना जंगल। सुपर है, अच्छा लग रहा है। काम करते हैं, यहाँ पे एक फोटो निकालते हैं। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे थोड़े से फोटो क्लिक किए, क्योंकि लोकेशन बहुत सही है। तो मैं कभी से निकला हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोकेशन गए, मैंने कहीं पे भी नहीं रुका। चलो अभी चलते हैं, अभी भी दिखा रहा है, जीपीएस दिखा रहा है 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने के लिए। अराउंड 94 किलोमीटर बाकी है। गाइस ये देखिए, दिस इज ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, सुपर, रियली ब्यूटीफुल। ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, बस बीच बीच में एक आध गाड़ी जा रही है, बट अदरवाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है यहाँ पे। मुझे लगता है ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इतना सब कुछ है दिखाने लायक, इतना सब कुछ है कि मैं आपको कुछ भी चीज़ मिस नहीं कराना चाहता। यहाँ पे हम रुकते हैं, एक चाय मारते हैं यार, ज़रूरत है, चाय की तलब लगी है, काफ़ी टाइम हो गया, चाय मैंने सुबह पी थी। तो गाइस अभी हम उस जंगल से बाहर निकले और ये फिर से ये हाईवे को टच किया है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज NH 48, आई एम नॉट श्योर। तो जैसे NH 52, 48 नहीं है ये। तो गाइस यहाँ से गोकर्ण 73 किलोमीटर, मतलब पहला बोर्ड मैंने देखा गोकर्ण का इतने रोड पे, और अभी वो अच्छा है, वो जंगल वाला रोड है ना वो खराब था यार, मतलब आधा इट्स वोट अगर 50% अच्छा था, 50% बहुत खराब था, और इतने सारे खड्डे थे कि अभी वो मेरे पीठ में थोड़ा हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया उसकी वजह से, क्योंकि हर बार वो खड्डे में वो पीछे मेरी बैग जो है वो आगे आती थी, वो आगे आके ना पूरे कमर में ऐसे घुस जाती थी, फिर मैं उसको ऑफिस उसको पीछे धकेलता था पीठ से ही, इसी में पंगा हो गया। सो गाइस फिर से ये घाट सेक्शन शुरू हुआ है, आप देख सकते हो कितनी सारी ग्रीनरी यहाँ पे, इट्स लश ग्रीन, लग ही नहीं रहा है कि दिस इज मी। आप सोचो मई में यार अगर हालत है, हम अगर मानसून में आएंगे तो दिस वुड बी लाइक हेवन। वैसे आप देख सकते हो इस घाट पे इतने सारे ट्विस्टीज है, आई एम नॉट श्योर ये कौन सा घाट है, इसका नाम क्या है, बट अब देखो राइट साइड में क्या ग्रीनरी है, जबरदस्त, ऊपर से पूरा फॉरेस्ट है ना, कहीं पूरा ग्रीन दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा ग्रीन ही ग्रीन। तो गाइस एक घाट उतर गया, नीचे आ गया और पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब पूरा ह्यूमिडिटी अभी गर्म होने लग गया अचानक से, ऊपर पहाड़ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम ठंडा लग रहा था, दैट मीन्स वी आर नियरिंग द सी, इसी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो गया। तो चलो अभी और 58 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 hour 14 minutes दिखा रहा था वो कहना, तो फिर मिलते हैं आगे। सो गाइस यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी कुछ 50 odd kilometers बाकी है, थोड़ा पानी भी नहीं पीते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो गया, अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है अभी। गाइस अभी हम मेन हाईवे से लेफ्ट लिया है एंड इट इज शोइंग 32 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 51 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली।
ढाई से ब्रिज देखो, सुपर्ब। काफी खूबसूरत ही है। सो गाइस आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है, सुपर्ब। आपको उस तरफ का दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे पानी बह रहा है और बारिश में तो लगता रहेगा पूरा, यहाँ तक पूरा पानी भरता रहेगा। काफ़ी सारे पेड़ भी देख सकते हो आप, बह के आए हैं यहाँ पे, मतलब उखड़ गए हैं। तो चलो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वैसे तो दिल तो करता है यहाँ पे और थोड़ी देर टाइम पास करूँ, लेकिन क्या करें, हमें पहुँचना है और फिर वहाँ पे वहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाने हैं गोकर्ण के। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, जस्ट 22 मिनट्स लेफ्ट गोकर्ण आंटी के हिसाब से। इलेवन किलोमीटर गाइस, आप देख सकते हो ये रास्ता दोनों तरफ पानी है। ये सॉइल प्लांट्स है लेफ्ट साइड में और जहाँ पे नमक बनाया जाता है, और राइट साइड में इसका फीडर है, मतलब यहाँ से पानी जब ये सूखता है नमक निकाल के ये पानी वहाँ पे छोड़ा जाता है ताकि फिर से नमक बने। तो ये फीडर लेके उसका राइट साइड में। आप बोलोगे ये मुझे सब कैसे मालूम है, क्योंकि मैं जहाँ पर पड़ा पैदा हुआ बड़ा हुआ वहाँ पे एक ज़माने में सॉल्ट प्लांट्स हुए करते थे थाने ईस्ट में। तो विल टेक अ राइट फ्रॉम हियर गोकर्ण थाडरी, यहाँ से 4 किलोमीटर है गोकर्ण। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और दिस इज हॉस्टल लाइफ, और ये देखो सामने समुंदर। तो चलो मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। सो गाइस इस गोकर्ण में हमने एक हॉस्टल बुक किया है, अंदर एक बंक बेड काफ़ी है हमारे लिए, आई डोंट नीड एंटायर रूम। तो दिस इज़ द प्लेस हॉस्टल लाइफ, दिस इज इन गोकर्ण। यू सी ये थोड़ा पहाड़ पे है, छोटा सा पहाड़ है, इसके ऊपर है ये लोकेशन, सुपर्ब इसकी। सो आई जस्ट टेक यू टू माई रूम। सो दिस आर दी हॉस्टल अकोमोडेशन, ख्याल एक एक रूम में 6 से 8 बेड है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 बेड है, तो ये वाला बेड ये मेरा है नीचे वाला, एंड इनके पास ये लॉकर रूम्स लॉकर्स भी है, मतलब आप अपना ताला लेके अपना सामान जो कीमती सामान है रख सकते हो। बाकी मेरी जो बैग है मैंने नीचे डाल दी है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मैं अभी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, गाइस मैं फ्रेश हो गया और इनका ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो मुझे थाली खाना था बिकॉज अभी अकेले हूँ और इंडिविजुअल आइटम मंगाऊंगा तो डजेंट मेक सेंस, बट देन ही सेज दैट थाली बनाना है तो 5 लोगों का ही बनेगा, उससे कम लोगों का थाली नहीं बनता बिकॉज इट्स एन आला कटे, उनके पास कुछ पका हुआ नहीं रहता है, दे प्रिपेयर इट। तो अब मैं बाइक है तो उसी का फ़ायदा उठाऊंगा, जाता हूँ मार्केट में, यहाँ से दूर नहीं है, देखता हूँ वहाँ पे कुछ खाने के लिए है क्या, और फिर खा के वापस आते हैं। इन द मीन टाइम मैं अभी थोड़ा आगे जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस दिस इज अ व्यू, जो इसका लोकेशन है ये हॉस्टल का बहुत सुपर्ब है, एक हिल पे, और यहाँ से ये देखिए समंदर पूरा दिख रहा है, दैट्स द बीच। वो सामने जो दिख रहा है वाइट शेड, वहाँ पे बंक बेड्स है, वो हॉस्टल है, और ये इनका राइट में इनका किचन है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं। हम है गोकर्ण के बीच पे, सो दिस इज द गोकर्ण का मेन बीच। और
और वो देख रहे हैं वहाँ पे पहाड़ पे, वहाँ पे हमारा हॉस्टल है। काफ़ी धूप है अभी, हमें काम करते हैं, हम लोग शाम को आ रहे हैं यहाँ पे। भाई अभी हम लोकल गोकर्ण एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोटी तीर्थ। ये लेक है, आप देख सकते हो। गाइस हमको दो नए दोस्त मिले जहाँ पे हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। ये नितिन भाई हैं, ये फ्रॉम दिल्ली, संदेश फ्रॉम मुंबई। हाय, तो अगले दो तीन दिन बहुत अच्छे से कटने वाले हमारे। अच्छा एंगल कट किया, वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ओम बीच। यहाँ से नीचे ट्रैक करना पड़ेगा बीच पे जाने के लिए, तो अभी हम ये सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। गाइस ये हमारे दोस्त है, ये फोटोशूट चल रहा है इनका। अभी आएगा गाइड्स। लोग यहाँ पे बीच पे डांस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, एंजॉयिंग देमसेल्फ।